विथ द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के आते आते लिटरेचर चेंज हो गया, फोकस जो लोगों का लिटरेचर पे था वो चेंज हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र रोट हिज फर्स्ट मोस्ट लाइक मोस्ट फेमस ड्रामा, लिखा अंधेर नगरी, सिटी ऑफ डार्कनेस के नाम से जाना जाता था, 1850 में लिखा गया था, एंड दिस बिकेम अ मेजर प्ले, और ये बाद में एक मेजर प्ले भी बन गया, विच हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड सेवरल टाइम, रिप्रोड्यूस हुआ। अनदर वेरी फेमस सॉरी नेटरलिस्ट वर्क इज भारत दुर्दशा। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दो फेमस अपनी जो राइटिंग्स थी 1850 के लगभग, अंधेर नगरी थी, सिटी ऑफ डार्कनेस, और भारत दुर्दशा के बारे में। तो ये दोनों नाट्य आगे चल के जो है नाट्य शास्त्र में कन्वर्ट हो गए और इस पे कई सारे नाटक भी हुए हैं। आपने देखा होगा अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा, सुना है किसी ने? यस सर, यस सर। उसके बाद है अनदर मेजर राइटर फ्रॉम दिस पीरियड इज महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। महावीर की कई सारी रचनाएं हैं जो कि मुझे नहीं पता है, देख लेना। इन दी मॉडर्न पीरियड ऑफ हिंदी कॉल्ड आधुनिक काल, अच्छा हिंदी जो पीरियड है उसको आधुनिक काल, देयर आर फोर सबसेक्शंस है, चार सबसेक्शंस है आपका। द मूवमेंट टू मेक हिंदी द नेशनल लैंग्वेज विच वुड लिंक ऑल रीजन्स वॉज स्प्रेडेड बाई स्वामी दयानंद के द्वारा आपका स्प्रेड किया गया, आपका कई सारे रीजन में हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज स्वामी दयानंद ने स्प्रेड किया। ऑल्दो ही रोट पुट अ लॉट इन गुजराती, ठीक है, उन्होंने जो है सॉरी ऑल्दो ही रोट क्वाइट अ लॉट इन गुजराती, कुछ इन्होंने जो है गुजराती में भी ज्यादा लिखा है इन्होंने स्वामी दयानंद ने। और उनका फेमस जो वर्क है हिंदी में वो है आपका सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद ने हिंदी में लिखा था। इसके अलावा गुजराती राइटिंग भी करते थे। उसके बाद है सेवरल हिंदू ऑथर्स लाइक क्या लिखा है, मुंशी प्रेमचंद्र है, ये मुंदही प्रेमचंद नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन थे सभी को पता होगा, सर कवि थे हिंदी के। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त, अरे सब सुने होंगे गुप्त, क्वेश्चन दी ऑर्थोडॉक्स, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ऑर्थोडॉक्स इन दी सोसाइटी होगा, ये सब कट्टरपंथी कवि रहे हैं। कौन कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, मुंशी प्रेमचंद्र हो गए, ये सब कट्टरपंथी वाले आपके राइटर हैं, ऑर्थोडॉक्स थे सोसाइटी, जो कट्टरपंथी थी सोसाइटी में उसको ये दर्शाते थे। इनके जो लेखन है जैसे आपकी गोदान, गबद, ये सब जो है आपकी, ये किसकी रचना है आपकी, नॉवेल है सर, ठीक है, तो उनकी रचना है, ठीक है, ऐसे ही सुनकर त्रिपाठी निराला की भी अपनी रचना है, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो याद है वो बता दे रहा हूँ। इसके बाद है प्रेमचंद रोड गोदान गबद, अच्छा यहाँ लिखा तो है गोदान गबद लिखा है उन्होंने, ठीक है। इसके बाद है अदर नोटबुक होगा, नोटा बेके नहीं होगा, अदर नोटबुक राइटर्स इन हिंदू इंक्लूड सुमित्रा नंदन पंत, अच्छा सुमित्रा नंदन पंत का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, और कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, रामधारू नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर होगा, एंड हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, इन्होंने एक फेमस पोएट्री लिखी थी, क्या नाम था इनकी पोएट्री का, हरिवंश राय बच्चन, कौन सी, मधुशाला सर इन्होंने लिखा था, मधुशाला, हाँ मधुशाला लिखी थी इन्होंने, ही रोट मधुशाला। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल राइटर थी हिंदी की 12th century की, महादेवी वर्मा लिखा हुआ गलत है, महादेवी वर्मा है ये। उसके बाद है आपका शी वॉज, अच्छा उन्हीं के बारे में कह रहा है कि पद्म विभूषण दिया गया था हिंदी में, बिकॉज उन्होंने कई सारी वुमेन को जो लेके सोसाइटी में कल्चर फॉलो किया जाता था उसके बारे में लिखा है। टाइम हो चुका है, थैंक यू लिसनर्स, काइंडली सब्सक्राइब माई वीडियो चैनल अगर पसंद आया आपको। बिल्कुल।